गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। तो आज है उड़ीसा में थर्ड डे। कल जो काम था इन लॉज के घर में, मतलब सिस्टर इन लॉज के घर में प्रोग्राम वगैरह जो था हमारे भांजा का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं अपने गांव के लिए। मतलब ये मैं जा रही हूँ मेरे इन लॉज के मतलब विलेज में, गांव में, मतलब मेरे ससुराल के जो गांव है वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं कि मेरे ससुराल का गांव कैसा है, क्या क्या वहाँ पे टोटली कैसा लुक है। मतलब हम लोग कोलकाता से हैं और जब हम लोग उड़ीसा आते हैं तो वहाँ पे किस तरह से रहते हैं, यानी यहाँ पे क्या क्या अच्छा लगता है स्पेशली जब भी हम आते हैं। अभी तो मतलब मंथ ऑफ फरवरी का एंडिंग चल रहा है, लेकिन जनवरी एंडिंग है। जनवरी एंडिंग कहाँ से आ गया? जनवरी है, पता नहीं, मैं भूल जा रही हूँ। अच्छा जनवरी, तो एनीवे अभी जनवरी का एंडिंग चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि फरवरी का एंडिंग चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्च और अप्रैल जैसा हमारे कोलकाता में होता है ना, वैसा ही है उड़ीसा में। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मतलब यहाँ पे है, लग रहा है ऐसा। और शाम जैसा होता है ना, शाम के टाइम पे उतना ही ठंडा। तो दोनों का मज़ा यहाँ पे है, सुबह गर्मी रात को ठंडी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने घर बाली पटना। इसके पहले हम लोग थे अभी जहाँ पे, तो वो कौन सी जगह का नाम था? केंद्रापड़ा नहीं, ओंगोड़ा। अच्छा तो अभी जो जगह में थे ना, जो मेरी सिस्टर इन लॉ का जो इन लॉज हाउस था, वहाँ वो जगह का नाम है ओंडोड़ा और मेरा जो घर है वो जगह का नाम है बाली पटना। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। वैसे तो सब कोई नहीं है, सिर्फ मेरी जो बड़ी वाली सास है वो वहाँ पे है, तो उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। हाँ, चचीरी सास वो है, उनसे मिलने जा रहे हैं। और मेन काम हमारा है वो अभी नहीं बताऊंगी, मैं दिखाऊंगी वीडियो में। तो वो काम के लिए भी स्पेशली हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे रिलेटिव्स के घर जाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को देखो, बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का जो एम्बियंस है, टोटली डिफरेंस है। मतलब बाकी जगहों से पूरा डिफरेंट है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आई होप। एंड जो लोग विलेज नहीं देखे हो, मेरे इस वीडियो के थ्रू देख लो। हाँ, विलेज का रोड देखो भाई। रोड देख के आप लोग सोचो कि यहाँ पक्का ही है। एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही डिफरेंट है। भले ये विलेज है लेकिन रोड जो यहाँ का है ना, एकदम फर्स्ट क्लास। तो बड़ी मज़ा आ रहे हैं और यहाँ का पब्लिक को भी शायद बहुत मज़ा ही आता होगा। मुझे भी यहाँ पे रास्ते में ड्राइव करने का मन कर रहा है। बाकी साइड सब में देख लो, आप लोग खुद भी देख लो, इतने बड़े बड़े खेत, पूरा खाली खेत, खाली जमीन में खाली खेत। तबियत खराब है तो जाना चाहिए ना। उनका घर का वो यहीं पे है, तो ऐसा जगह में था ना, मार्केट के बीच में उनका घर था ना, तो शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे क्या हो, इतना भीड़ भट्टा लगा है। तो देखो यहाँ पे जो बस वगैरह है, यहाँ पे भी उड़िया में लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो भी कहो, दिन का जो गर्मी है ना जनवरी के एंडिंग में बहुत ही ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग 2-4 दिन रहेंगे तो शायद तबीयत खराब हो सकता है। बिकॉज रात को ठंडा, दिन में गर्मी, ये दोनों चीज़ बॉडी में जब ले रहा है ना, तो सर्दी खांसी ये सब हो रहा है, सभी को हो रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत हो गया है, मेरे को भी हुआ है, इनको भी हुआ है। मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है रात को, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है हम लोग जहाँ पे है। और अभी जैसे मैं निकली, 2 दिन के बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिन में इतना गर्मी था। घर के अंदर लेकिन फील नहीं होता है ना, घर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि गर्मी है। अभी जैसे बाहर निकली हो, हाँ, इसीलिए लग रहा। और मतलब ये पूरा खुले आसमान है ना, पूरा एकदम, इतना स्पेस दिखता नहीं है कोलकाता में ना। ये हाँ ऐसा खाली दिखता है, रास्ता है, ऐसा रोड भी है, लेकिन ऐसा खुला नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे पूरा, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए। सी यहाँ पे देखो पूरा खेतों से भरा हुआ, रास्ते साइड में पूरा खेत भरा हुआ है। एक्चुअली मेन मुद्दा जो है ना विलेज में रहने का, या फिर जो लोग भी आते हैं घूमने के लिए, ऐसा हम लोग भी एक टाइप से रिफ्रेश रिफ्रेशमेंट लेने के लिए भी हम लोग आए हैं, बिकॉज मेट्रो सिटी में जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ का ना जितनी भी आपको फैसिलिटी क्यों ना मिल जाए, हेक्टिक डे चलता ही है। जितना भी रिलैक्स आप सोच लो, खुद को रखोगे, उतना नहीं हो पाता जितना आप 2 दिन यहाँ पे अगर बिता के जाओ। बिकॉज यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही प्योर रहता है, चारों तरफ पूरा नेचर से घिरा हुआ रहता है, जिसके रीज़न से आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो प्योर रहता है। लेकिन वही हम लोग जब मेट्रो सिटी में रहते हैं, घर पे रहते हैं, सारे फैसिलिटी हमारे घर पे अवेलेबल होता है, फिर भी ऐसा फील नहीं होता जितना यहाँ पे रिलैक्स होता है। तो 2-4 दिन के लिए हम लोग जब भी आते हैं ना, बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता है। और दूसरा चीज़ होता है कि सब साथ में जब होते हैं उससे और भी अच्छा होता है। इस बार तो हम लोग अकेले आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी आई हूँ, लेकिन इस बार भी सारे फैमिली मतलब जितने रिलेटिव्स हैं सबसे मिल के ही जाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को देखो और एंजॉय करो। स्टार्टिंग पॉइंट यही से है जहाँ पे एक बड़ा सा हनुमान जी आपको देखने को मिलेगा, मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। और इसका जो एंट्री पॉइंट है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लाइक दोनों तरफ से एकदम पेड़ पौधा, बड़े बड़े पेड़ से पूरा घिरा हुआ है। ये रहा, यहाँ से हमारा जो गाँव है ये शुरू होता है। तो ये वाला बजरंग बली है। जय बजरंग बली, मानो बोलो जय बजरंग बली। बजरंग बली इतना बड़े करके यहाँ पे है क्योंकि इस गांव का रखवाले हैं इसीलिए। और सी नज़ारा देखो आप लोग गाइस, नज़ारा कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। वो वाला गाना है ना, क्या बोलते हैं, खेतों के क्या फूलों में, कितना सुंदर लग रहा है। अरे गर्मी, ये बहुत हड्डा वाला गर्मी हो गया नहीं, बोलो थोड़ा नॉर्मल गर्मी लेना ठीक रहता है। छोटे बच्चे को साइकिल चला रहे यहाँ पे आ गए हैं। ये देखो पॉन्ड यहाँ पे सामने, देखो देखो ये ट्री का हाल देखो, क्या देखो। ये वाला हमारे गांव का ये मंदिर है, और ये घर के सामने जो टेम्पल है लाला। अरे पहचान नहीं पा रहे हैं। हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं और ये देखो मिस्टर फरीदा गाड़ी लेके आए। मालूम, आओ पापा के साथ लो मिस्टर। देखो गाइस, यहाँ पे आने के बाद यू नो लाइक पूरा एकदम थोड़ा सा घूंघट वूंघट दे के रहना पड़ता है क्योंकि ससुराल है आफ्टर ऑल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और मानवी और हम दोनों पैदल पैदल आ रहे हैं। पापा गाड़ी लेके चले गए, मम्मा मानवी जा रही है पैदल पैदल। और मैं कह रही थी ना यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन क्यों मिलता है, बिकॉज ये नेचर की वजह से। लेट मी शो यू। खेतों के झूलों में सब पंछी करे, और यहाँ पे मेरे चाप ऑन कर दिए थे, मम्मी को दिखाना। उधर जाओ, उधर नहीं गिर रहा है पानी। इधर आओ, इधर उस साइड आओ। हो रहा है, हो रहा है। हमारा गांव का हरियाली हरियाली गांव। मानवी चलो आगे चलो, मानवी आगे चलो, तुम आगे चलो मानवी। अब रुको, मम्मी का कर दोगी। मानवी अब रुको, मानवी लो पकड़ो। मानवी अब मम्मी का कर। ये रहा हमारा घर और ये रहा हमारा घर। घर आ गए हैं हम लोग, अपना घर आ गए हैं। इधर से आ रहे, आज सीढ़ी से आ रहे हो। ये हमारा घर है। हाँ और नहीं तो क्या। वाइट बोल रही थी ना, ये वाइट। चलो चलो, ये देखो छोटू सा गली। प्रणाम करो। ये है नदी का। चलो ये देखो अनोखी चीज गाइस। चलो 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 प्रणाम करोगी। चलो वो दादी है, दादू को प्रणाम करो। पहले प्रणाम करो। चलो दादी देखो क्या कर रही है। ये जो जगह आपको दिख रहा है ये पूरा जगह ही हमारे घर का ही जगह है, जहाँ पे बहुत सारे गाछी है। जैसे हो गया कटहल का, आम का, अमरूद का, सब रकम का आपको गाछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। केला गाछी, ये सब फल भी होता है, सिर्फ गाछ नहीं है, फल भी होता है यहाँ पे। एंड ये हमारा किचन है जो कि खड़ से बना हुआ किचन है। ये हमारा किचन है जहाँ पे खाना बनता है। और ये देखो हमारा गांव का घर। हाँ बाबू, खाओ 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 खाओ। ये देखो क्या हुआ है गाछी में, क्या है ये? कुलो। क्या है ये? कुलो। कुलो ये मेरे बड़े ससुर जी और दादी जी है यहाँ पे। कहाँ गया? चलो आपको एक चीज दिखाती हूँ। कटहल हाथ में आटा लग जाएगा। हाँ? हाथ में ना। हाँ। आटा लग जाएगा। आटा होना? आटा है, आटा। आटा का पेड़। बहुत छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी कटहल हुआ। कम कम कम। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट? जैक फ्रूट। जैक फ्रूट। राइट। सो यहाँ पे क्यूट सा जैक फ्रूट है, छोटू छोटू जैक फ्रूट। और एक तो जैक फ्रूट यहाँ पे, ये इसको जवा फूल कहते हैं, एज यू नो ऑल गाइज। तो यहाँ पे कड़ी हुआ है सुबह, बहुत सारा फ्लावर्स इसमें आता है, पूरा गाछी में भरा हुआ है इसका कड़ी। और यहाँ पे है बहुत से पेड़ पौधे का ट्री, जैसे कि यहाँ पे है पपाया जो हम लोग सब्जी बनाने में लगाते हैं काम में। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक है, ये जितने सारे हैं सारे ऑर्गेनिक है। और ये जो मैंगो ट्री है इसमें मतलब समर सीज़न में बहुत ज़्यादा भर के मैंगो होती है। और यहाँ पे जितने सारे आपको दिख रहे हैं दूर से दूर तक ये सब हमारा ही है, बड़े पापा ने सब बैठाए थे यहाँ पे। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ है। और तुलसी का तो जहाँ देखो पौधा वही आपको दिखेगा, तुलसी पौधा बहुत सारा है। बहुत ही अच्छे से सुंदर से पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है हमारा ये घर गांव का। चलो सब उठूसी पापा कुछ नहीं लगाए है। अच्छा ओ माटी वाला आते तो ना चल कई चिले कहते काटेंगे। चलो हाँ वो बाबूजी की पापा लगे ना। अच्छा कटहल खाना है। तो यहाँ पे भी है ये पपाया हुआ है ट्री में। और यहाँ पे ये करी पत्ता भी जो हम लोग सब्जी में यूज़ करते हैं फोरन देने के लिए। देखो ये सब ऑर्गेनिक है। बड़ी मम्मी बोल रही है कि ये सब लगाया नहीं गया है, ये अपने आप उठा है, बिकॉज यहाँ का मिट्टी बहुत अच्छा है। सी ये सब करी पत्ता है जिसको हम लोग खाने पे यूज़ करते हैं। हम करी पत्ता लेके जाएंगे पैकेट में तोड़ के, पैकेट में भर के ले जाएंगे करी पत्ता। और सी यहाँ पे देखो कितना कोकोनट बर्बाद हुआ है। देखो करी पत्ता लोगी। और यहाँ पे इतने सारे कोकोनट रोज गिरता है कि मम्मी उठा के रखती है, आधा बर्बाद हो जाता है। और यहाँ पे भी सेम जैक फ्रूट्स का पेड़ है और कोकोनट ट्री से तो पूरा भरा हुआ है। कोकोनट ट्री बहुत सारा है। वो जो आपको दूर से दिख रहा है ना वो जगह, वो दूर का एरिया में भी हमारा बहुत सारे इस तरह का फ्रूट्स का ट्री जो अपने आप उगा है। और ये जो कोकोनट ट्री आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जहाँ पे बड़ा बड़ा मटका है, तो ये कोकोनट ट्री का राज ये मैंने बैठाया था, मतलब ससुर जी मुझे दिए थे और मैं बैठाई थी। 3 ठो देखो है, 1 2 3, तो ये 3 जो कोकोनट ट्री है मैं बैठाई थी। और यहाँ पे मैंगो ट्री भी बहुत सारा है, बहुत सारा मैंगो ट्री है। हाँ बेबी चलो कब चलो। और यहाँ पे पता है इतने सारे ना कोकोनट का जो पत्ता गिरता है, जिससे खाना हम लोग बनाने में यहाँ पे इजी होता है, बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। वुड यहाँ पे इतने सारे अभी अंदर में है, दिखाऊंगी, मम्मी जमा करके रखी है। मम्मी हाँ मम्मी मुझे पत्ता खाना है। देंगे। ये देखो ये होता है कोकोनट का जो पत्ता होता है ना, वही पत्ता है। और ये रहा चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा है। ये मिट्टी का चूल्हा में खाना बनता है जब हमारे घर में प्रोग्राम होता है। हाँ 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 देखियो ना ना वीडियो करूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। सो ये हमारा किचन है। यहाँ पे खाना तभी बनता है जब बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, शादी बियाह पूजा पाठ ना मम्मी, तब हमारा होता है। अभी तो इसका गेट बंद है, अभी घर पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का मिट्टी का चूल्हा में खाना बनता है, जिसमें मैंने भी बनाया है एक बार ट्राई की हूँ मैं। ये है हमारी बड़ी वाली मम्मी मम्मी अभी यहाँ पे थोड़ा बर्तन वर्तन धो रही है। मम्मी आज खाना बनाइए बहुत यम्मी वाला, अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। और यहाँ से छत का रास्ता है, छत और भी सुंदर है, छत में जाने से और अच्छा लगेगा। वैसे छत वाला टूर मैं बाद में करवाऊंगी आप सबको। हाँ मुझे पापा ये करना है। ये हमारा घर, खाओ गाँव का खाना खिला दिए तो क्या हो गया गाँव वाले लुक में है ना। बोलिए गाँव में आने से गाँव की तरह रहना पड़ेगा है ना। मम्मी का हाथ का बना हुआ पूरा ऑर्गेनिक खाना, भात बैगन फ्राई ये भी ऑर्गेनिक है, आलू भी ऑर्गेनिक है, दाल भी ऑर्गेनिक है। तो यहाँ का जो खाना है बहुत ही हेल्दी खाना है। ना मैं ले लूंगी। क्या लेके आए हो? ये मशरूम, केला का भुजिया, डाली भाई। इतने दिन के बाद मम्मी के अच्छे खाना खा रहे हैं। हम लोग लास्ट कब आए थे? जुलाई में ना, जून के बाद अभी डायरेक्ट जनवरी में। तो चलो हम लोग अपना लंच फिनिश करते हैं, इसके बाद आप सबसे मिलते हैं। ना 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 मान भी बाय बाय कर दो हमारे गांव का कुछ भी। माली बाय बाय कर दो बाली पटना को। बाय बाय।